वेलकम टू ICSE 10th। सो आज हम देखेंगे डेफोडिल्स। इसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने और ये एक बहुत अच्छी पोएम है और बहुत ही फेमस पोएम है जिसे एक फेमस पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। डेफोडिल्स एक तरीके का फ्लावर होता है जो येलो कलर का होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक नेचर पोएट है और वो नेचर से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें नेचर बहुत पसंद है और उन्होंने नेचर से प्रेज होकर इस पोएम को लिखा है डेफोडिल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। सो पहली लाइन हमारी क्या है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। जो पोएट हैं वो एकदम अकेले हैं और वो एक क्लाउड की तरह अकेले घूम रहे हैं। ठीक है, देखो आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, एक क्लाउड की तरह वो अकेले घूम रहे हैं। कहाँ पे घूम रहे हैं, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जैसे एक क्लाउड घाटी और पहाड़ों के ऊपर तैरता है, जैसे एक क्लाउड घाटियों और पहाड़ियों यानी वेल्स और हिल्स के ऊपर तैरता है, घूमता है, वैसे ही पोएट भी अकेले घूम रहे हैं एक क्लाउड की तरह। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, फिर अचानक से उन्होंने एक क्राउड देखा, एक झुंड देखा। ठीक है, वैसे ही उनकी नज़र एक क्राउड पे पड़ी, अचानक से उनकी नज़र एक क्राउड पे पड़ी, एक झुंड पे पड़ी। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स। ठीक है, बहुत सारे गोल्डन कलर के डेफोडिल्स उन्हें दिखाई पड़े। कहाँ पे दिखाई पड़े, बिसाइड द लेक, लेक के बिसाइड। ठीक है, और कहाँ दिखाई दिए, ट्रीज़ के नीचे, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। वो हवा के साथ साथ हिल रहे थे, ढुल रहे थे और जो हवा चल रही थी उससे वो फ्लटर हो रहे थे, डांस, ऐसा लग रहा था कि वो डांस कर रहे हैं, हंस हंस के डांस कर रहे हैं। द डेफोडिल्स अपीयर टू द पोएट एज फ्लटरिंग एंड डांसिंग हैप्पीली इन द ब्रीज। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है वो है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। इस सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने डेफोडिल्स को स्टार्स से कंपेयर करा है। अब सेकेंड स्टैंजा में डेफोडिल्स को पोएट ने स्टार से कंपैरिजन करा है। पोएट कहते हैं कि कितने सुंदर लगते हैं डेफोडिल्स, वो डेफोडिल्स जो हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे स्टार्स मिल्की वे में बिछे होते हैं, कंटिन्यूस इन अ नेवर एंडिंग लाइन। जैसे स्टार्स एक नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में मिल्की वे में लगे होते हैं बैंड की तरह, वैसे ही जो हमारे डेफोडिल्स हैं वो भी एक कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन में लेक के किनारे लगे हुए हैं, बिछे हुए हैं। ठीक है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, वैसे ही टिमटिमा रहे हैं, वैसे ही चमक रहे हैं जैसे स्टार्स मिल्की वे में चमकते हैं एक लाइन में। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, वैसे ही हमारे डेफोडिल्स मार्जिन ऑफ अ बे यानी कि लेक के किनारे शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, फिर उन्हें 10,000 डेफोडिल्स एक ही नज़र में दिखते हैं। पोएट को उनकी जो एक्चुअल काउंट है डेफोडिल की वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक ही नज़र में उन्हें 10,000 डेफोडिल्स दिखे, मतलब वो उस पूरे एरिया को हाईलाइट करने के लिए कह रहे हैं जो डेफोडिल्स से घिरा हुआ है, वो इतने सारे हैं कि वो 10,000 डेफोडिल्स उन्हें एक नज़र में दिख रहे हैं। टॉसिंग दियर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, जो अपना डेफोडिल्स जो हैं वो अपना हेड हिला, क्योंकि वो हवा चल रही है तो हवा चलने की वजह से वो हिल रहे हैं और हिलने से ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रहे हैं। इन अ स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली डांस मतलब वो पूरा फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी है, वो एनर्जी के साथ और लाइफ बहुत उनके अंदर है जिससे वो डांस कर रहे हैं। टॉसिंग दियर हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, ठीक है, अपने सर को हिला रहे हैं जैसे इंसान हिलाते हैं। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, इसमें ह्यूमन क्वालिटी दी है, टॉस, ह्यूमंस की तरह डांस कर रहे हैं और अपने हेड्स को टॉस कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरा जो है हमारा वो थर्ड पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में पोएट ने डेफोडिल्स को वेव से कंपेयर करा है, ऐसा उसमें दिखाया है कि वेव्स और डेफोडिल्स जो हैं वो एक डांसिंग कॉम्पिटिशन में इन्वॉल्व हैं जिसमें जो डेफोडिल्स हैं वो वेव्स को हराए दे रहे हैं खुशी में।
द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. इसमें पोएट कह रहे हैं कि डेफोडिल्स के किनारे जो लेक है उसमें वेव्स हैं. वेव्स क्यों बन रही हैं? क्योंकि हवा चल रही है और जो वेव्स हैं वो भी डांस कर रही हैं, पर वो आउटडिड करे और जो डेफोडिल्स हैं वो आउटडिड करे दे रहे हैं स्पार्कलिंग वेव्स को खुशी में. वेव्स के ऊपर सन की रेस पड़ रही है इसीलिए वो स्पार्कल कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन जो डेफोडिल्स हैं वो वेव्स को हराए दे रहे हैं खुशी में, इन ग्ली. वो इतने अच्छे लग रहे हैं पोएट को, उनका व्यू पोएट को वेव्स के व्यू से ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी, ठीक है. और एक जो पोएट होता है वो ऐसी इतनी अच्छी कंपनी में और कुछ खुशी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता. अ पोएट कुड नॉट बी गे, गे मतलब हैप्पी. अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी, इतनी खुश दिल कंपनी में पोएट कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय हैप्पी होने के. आई गेस्ट एंड गेस्ट बट लिटिल थॉट इन सच अ जोकंड कंपनी. आई गेस्ट एंड गेस्ट बट लिटिल थॉट. मैं उन्हें लगातार टकटकी लगाए देख रहा था, वो पोएट उन्हें लगातार टकटकी लगाए देख रहे थे और सोच रहे थे, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे थे और खुश थे और सोच रहे थे कि क्या क्या वेल्थ, क्या इस व्यू ने उनको दिया है, क्या आया है उनके पास इस व्यू को देखने से. वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट. इसमें वेल्थ से मतलब पोएट का ये है कि क्या उनके पास आया है इस व्यू को देखने से, ठीक है. फिर ये अब नेक्स्ट लास्ट पैरा है इसका. इसमें पोएट कह रहे हैं, ये जो फर्स्ट थ्री पैराग्राफ्स थे इसमें पोएट तब की बात कर रहे हैं जब वो नेचुरल लैंडस्केप के सामने थे, डेफोडिल्स के सामने थे. तो उसका उन्होंने पूरा इसको करा है, इसको समझाया. उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है ये तब का है जब पोएट डेफोडिल्स के सामने नहीं है और वो अपने घर पे हैं. तब वो बात कहते हैं कि अक्सर जब वो अपने काउच पर लाई करते, यानी कि अक्सर जब वो अपने सोफे पर लेटते हैं और उनका मूड अच्छा नहीं होता, वो सैड मूड में होते हैं, ना वेकेंट होने ना पेंसिव मूड, मतलब वो लोनली फील कर रहे होते हैं और वो थॉटफुल मूड में होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो जो डेफोडिल्स की मेमोरी होती है वो उनकी उनके माइंड में आ जाती है, मतलब उनके आईज पर फ्लैश करती है, और जिससे कि पोएट अपने आप को एक पैराडाइज में फाइंड करते, यानी ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब है एक पैराडाइज. जब वो मेमोरी पोएट के माइंड में आती है तो पोएट को ऐसा लगता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसा लगता है कि वो ऐसे एक पैराडाइज में, वो एक पैराडाइज में पहुंच गए हैं, ठीक है. एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, ठीक है. इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि जब वो मेमोरी उनके माइंड में आती है तब उनका हार्ट जो है वो खुशी से, पूरा खुशी से भर जाता है, और जो उनकी लोनलीनेस होती है वो इमेजेस ऑफ डेफोडिल्स से दूर हो जाती है, और उनका हार्ट जो है वो प्लेजर से भर जाता है, प्लेजर और खुशी से भर जाता है, और उनको बहुत खुशी मिलती है. एंड मेक्स हिम फील एज इफ ही वर डांसिंग अलॉन्ग विद द डेफोडिल्स, और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो डांस कर रहे हैं डेफोडिल्स के साथ साथ, है ना. तो ये है तुम्हारे डेफोडिल्स की पोएम, थी बहुत ही सुंदर पोएम है. चलो अब हम लोग इसके एक बार फिगर्स ऑफ स्पीच भी देख लेते, क्योंकि पोएम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं. तो चलो देख लेते एक बार वो भी हम. एक मिनट मैं एक क्लियर कर दूँ. हाँ चलो अब देखते हैं हम. आई wandered lonely as a cloud, मतलब पोएट अपने आप को क्लाउड से कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए क्या लगा है एज वर्ड लगा है. एज वर्ड मतलब कंपेरिजन हुआ है, कंपेरिजन में ये एज वर्ड का भी यूज़ करते हैं जब हम सिमिली लिख रहे हो. तो ये क्या है, ये किसका एग्जांपल है, ये लाइन फर्स्ट एग्जांपल है आई सिमिली का, ठीक है. कौन सा लिटरली डिवाइस यूज़ हुआ है इसमें, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, ठीक है. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills.
इसमें देखो इसका रेपिटेशन हुआ है, एच एच का रेपिटेशन हुआ है, हाई में भी लगा है और हिल्स में भी लगा है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, ठीक है, इसको लिख लेना पूरा एलिट्रेशन। और इसमें दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, इसमें पोएट ने क्लाउड के मूवमेंट को, क्लाउड के मूवमेंट को एक फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना, मूवमेंट ऑफ बोट से कंपेयर किया है। इसमें क्लियरली ये नहीं कहा गया है कि क्लाउड के मूवमेंट को उन्होंने बोट के मूवमेंट से कंपेयर करा है, बट ऐसा दिखाया गया, फ्लोट का मतलब यही होता है। तो इसीलिए ये फर्स्ट जो टू लाइन्स है ये इस मेटाफर का एग्जाम्पल भी है। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें दो कंपेरिजन करे तो जाते बट उसे क्लियरली कहा नहीं जाता, क्लियरली स्टेट नहीं करा जाता, ठीक है। तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है, इसको लिख लेना। उसके बाद व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, फिर पोएट को अ होस्ट, होस्ट क्या, होस्ट किसके लिए कहा गया? होस्ट मतलब एक ह्यूमन क्वालिटी है, होस्ट तो एक ह्यूमन क्वालिटी है ना, ठीक है। तो इसको किसमें, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन, 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 ठीक है। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, अब फ्लटरिंग किसका एग्जांपल है? देखो फ्लटरिंग जो है, फ्लटरिंग से वर्ड से सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? कोई चीज़ जो हिल रही हो, है ना। तो ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिनमें इसका वर्ड का साउंड जो है वो थोड़ा उसका सेंस बता दे, है ना। तो इसका एग्जांपल है, तो ये किसका एग्जांपल है? ओनोमैट, ये किसका एग्जांपल है? ओनोमैटोपिया, ठीक है, ओनोमैटोपिया, ठीक है, इसको लिख लेना तुम लोग। चलो अब आगे देखते हैं कौन सी है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, देखो कौन सा वर्ड यूज हुआ है? एज मतलब कंपैरिजन हुआ है, इसीलिए हम इसमें क्या लिखेंगे? सिमिली, ठीक है, सिमिली, ये देखो सिमिली, ठीक है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? ये सिमिली का एग्जाम्पल हो गया। चलो और हाँ देखो कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है? एस रिपीट हुआ है, स्टार्स में भी और शाइन में भी एस वर्ड रिपीट हुआ, इसीलिए ये किस एक चीज़ और एग्जांपल है, जब कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो तो हम उसको क्या कहें, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगता है? था वो एलिट्रेशन। तो ये एलिट्रेशन का एग्जांपल भी है और सिमिली का एग्जांपल भी है, ठीक है, एलिट्रेशन को लिख लेना तुम लोग। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे डिस्ट्रेस्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे 10,000 saw I at a glance। अब देखो इसमें क्या किया गया, ये 10,000 saw I at a glance, इसमें एग्जैगरेट करा गया। अब 10,000 तो पोएट को नहीं दिखे होंगे, लेकिन एग्जैगरेशन जो मतलब ज़्यादा उसको बोल दिया जाए, एम्फोसिस करने के लिए, उसको बताने के लिए, तो वहाँ पे हम लगाते हैं हाइपरबोल। तो ये किसका एग्जांपल है? ये इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है और ये हाइपरबोल का एग्जांपल है, ठीक है, हाइपरबोल, हाइपरबोल, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, इसको अच्छे से समझना पढ़ना। टॉसिंग दियर हेड्स इन अ स्पराइटली डांस, अब देखो ये किसका एग्जांपल है? जब किसी भी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी या एट्रीब्यूट दिया जाए तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। टॉसिंग दियर हेड्स, टॉसिंग दियर हेड्स और डांस, देखो ये दोनों वर्ड्स ह्यूमन क्वालिटी के हैं ना, टॉसिंग दियर हेड्स और डांस ये ह्यूमन क्वालिटी है, इसीलिए ये किसका एग्जांपल है? ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन लिख लेना, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। द वेव्स बिसाइड्स देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, अब इसमें वेव्स को कौन सी क्वालिटी दी गई है? ह्यूमन क्वालिटी, कौन सी? डांस करने की, इसीलिए ये कौन सा एग्जांपल है? पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। फिर बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली,
इसमें देखो एक डांसिंग कंपटीशन लग रहा है डेफोडिल्स के बीच में और वेव्स के बीच में, तो डांसिंग कंपटीशन तो ह्यूमंस ह्यूमन की क्वालिटी है, तो इसीलिए ये भी किसका एग्जांपल है, पर्सोनिफिकेशन का। ठीक है, ये एग्जांपल किसका है, पर्सोनिफिकेशन का, पर्सोनिफिकेशन। ठीक, अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी, व्हाट आई गेस्ट एंड गेस्ट बट लिटिल थॉट वॉट वेल द शो टू मी हार्ड पॉट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है, लास्ट वाले में भी देख लेते हैं। फॉर ऑफ वेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और इन अ पेंसिव मूड, द फ्लैश अपॉन दैट इन वर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। ठीक है, इसमें तो कोई भी वो नहीं लगेगी, फिगर ऑफ स्पीच यहीं तक का था। तो चलो ये था तुम्हारा डैफोडिल्स, डैफोडिल्स का पूरा। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा, इम्पॉर्टेंट पोएम है और अच्छी पोएम है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। एंड और भी चैप्टर्स के वीडियोस मेरी चैनल पे तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।